राष्ट्र आज जनजातीय गौरव दिवस रा रूप में मना रियो है स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में राख्या गया जनजातीय गौरव जलसा ने कराया संबोधित। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जयपुर में हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड और भारत सांबर साल्ट्स लिमिटेड रा नुआ बनया दफ्तरों कर लोकार्पण। भारतीय जनता पार्टी राज्य की कांग्रेस सरकार माथे पूरी तरह विफल रहबारो मांड्यो आरोप। पार्टी राज्य रा न्यारा न्यारा जिला में सड़क सु सदन तई चलावेली आंदोलन। प्रदेश रा सगला सरकारी और निजी स्कूल आसू 100% उपस्थिति रा साथे खुल्या। स्कूल में करवाई जारी है कोविड-19 प्रोटोकॉल री पालना। और प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला में आसू शुरू हुई न्यारी न्यारी राज्य स्तरीय होना। जिला रा प्रभारी मंत्री करया आरो उद्घाटन। नमस्कार, सिंजा 5 बजारी राजस्थानी खबर में आप सब रो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। राष्ट्र आज जनजातीय गौरव दिवस रा रूप में स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मना रही है। इन मौका माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जरिया सू रांची में भगवान बिरसा मुंडा रा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय रो शुभारंभ कर्या। प्रधानमंत्री कहो कि ओ संग्रहालय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नायक नायिका वाला योगदान और आदिवासी संस्कृति रो परिचायक बनेलो। स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी नायक नायिकाओं के योगदान का, विविधताओं से भरी हमारी आदिवासी संस्कृति का जीवंत अधिष्ठान बनेगा। इस संग्रहालय में सिद्धू कानू से लेकर पोटो हो तक, तेलंगा खड़िया से लेकर गया मुंडा तक, जतरा टाना भगत से लेकर दीवा किसुन तक अनेक जनजातीय वीरों की प्रतिमाएं यहां है ही, उनकी जीवन गाथा के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। आज के ही दिन हमारे श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण झारखंड राज्य भी अस्तित्व में आया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन कर आदिवासी हितों को देश की नीतियों से जोड़ा था। झारखंड स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं श्रद्धे अटल जी के चरणों में नमन करते हुए उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आदिवासी जनजातीय भाई बहनों आदिवासी बच्चों के साथ बिताया है। मैं उनके सुख दुख, उनकी दिनचर्या, उनकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत का साक्षी रहा, उनका अपना रहा हूं। इसलिए आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत भावुक, बड़ी भावना, एक प्रकार से प्रकटीकरण का भावुक कर देने वाला है। स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती माथे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश रा दौरा माथे रिया। वणा अठे आदिवासी समुदाय से जुड़ी कई योजनाओं शुभारंभ कर्या। भोपाल में राखोड़ा जनजातीय गौरव सम्मेलन ने संबोधित करता तक प्रधानमंत्री कहो कि देश आज पहलो जनजातीय गौरव दिवस मना रियो है। वणा कहो कि आदिवासियों की बात में कोई न कोई तत्वज्ञान जरूर होवे है। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है।
आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला संस्कृति स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में इस नए संकल्प के लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आज यहां मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज का आभार भी व्यक्त करता हूं। बीते अनेक वर्षों में निरंतर हमें आपका स्नेह आपका विश्वास मिला है। ये स्नेह हर पल और मजबूत होता जा रहा है। आपका यही प्यार हमें आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करने के लिए प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है। साथियों, इसी सेवा भाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए शिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है। और आज जब कार्यक्रम के प्रारंभ में मेरे आदिवासी जनजातीय समूह के सभी लोग अलग अलग मंच पर गीत के साथ धुन के साथ अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे, मैंने प्रयास किया उन गीतों को समझने के लिए, क्योंकि मेरा यह अनुभव रहा है कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। और मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई न कोई तत्व ज्ञान होता है, पर्पज ऑफ लाइफ। आदिवासी अपने नाच गान में, अपने गीतों में, अपनी परंपराओं में बखूबी प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए आज के इस गीत के प्रति मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक था। और मैंने जब गीत के शब्दों को बारीकी से देखा तो मैं गीत को तो नहीं दोहरा रहा हूं, लेकिन आपने जो कहा शायद देश भर के लोगों को आपका एक एक शब्द जीवन जीने का कारण, जीवन जीने का इरादा, जीवन जीने के हेतु बखूबी प्रस्तुत करता है। आपने अपने नृत्य के द्वारा, अपने गीत के द्वारा आज प्रस्तुत किया, शरीर चार दिनों का है, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। खाना पीना खूब किया, भगवान का नाम भुलाया। देखिए ये आदिवासी हमें क्या कह रहे हैं जी, सचमुच में वे शिक्षित है कि हमें अभी सीखना बाकी है। आज आदिवासी समाज के लिए शिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है। राशन आपके ग्राम योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन हो, ये दोनों कार्यक्रम आदिवासी समाज में स्वास्थ्य
और पोषण को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुझे इसका भी संतोष है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिलने से कोरोना काल में गरीब आदिवासी परिवारों को इतनी बड़ी मदद मिली। अब जब गांव में आपके घर के पास सस्ता राशन पहुंचेगा तो आपका समय भी बचेगा और अतिरिक्त खर्च से भी मुक्ति मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना से पहले ही अनेक बीमारियों का मुफ्त इलाज आदिवासी समाज को मिल रहा है, देश के गरीबों को मिल रहा है। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश में जनजातीय परिवारों में तेजी से मुफ्त टीकाकरण भी हो रहा है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे आज एक दिन राज जयपुर प्रवास में तेरिया अठे केंद्रीय मंत्री सीतापुरा माए हिंदुस्तान साल्स लिमिटेड और सांबर साल्स लिमिटेड रा नवीनीकरण रे पछे बनोड़ा दफ्तरों लोकार्पण कर्या। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर पांडे सांबरला लूण माथे आधारित सांबर गीत रो लोकार्पण भी कर्या। वणा कहो कि इन गीत रे जरिए सांबर झील रा लूण रा प्रोत्साहन माए मदद मिलेली। इन दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर पांडे सांबर माए 400 किलोवाट, गुड़ा माए 350 किलोवाट और नावा माए 1 मेगावाट रा सौर ऊर्जा संयंत्र रो वर्चुअली शुभारंभ भी कर्या। तौर से अतिक्रमण हटाना, अतिक्रमण वालों पर कार्रवाई करना कानून व्यवस्था से जुड़ा विषय है, जो राज्य सरकार से जुड़ा हुआ विषय है। मेरी जानकारी में आया है कि उसके लिए बहुत कुछ लिखा पढ़ी किया है हमारी कंपनी ने, कोशिशें भी हुई हैं, अतिक्रमण हटे भी हैं। कार्यक्रम में सांबर सालसरा ब्रांड एम्बेसडर पदम श्री डॉक्टर सुनील जोगी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने सांबर झील में हो रही अतिक्रमण की समस्या से अवगत कराया। विषय को गंभीरता से ले रहा हूं और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं भारत सरकार इस पर बड़ी प्रभावी पहल राज्य सरकार के संग मिलकर करेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और पंजाब माए भारतीय जनता पार्टी रा चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत कहो कि पंजाब विधानसभा चुनाव माए भाजपा इतिहास बनावेली। वणा आज जोधपुर माए आपरा रहवास माते खबर नवीसांसू बातचीत माए कहो कि पंजाब माए भाजपा खातर घनी संभावना मा है और पार्टी रो हर एक कार्यकर्ता उत्साह सु भरोड़ो है। पंजाब असीम संभावनाओं का क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब की बार पहली बार 117 सीट पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। आज तक हम जूनियर पार्टनर के रूप में काम करते थे, मैंने धरातल पर जाकर के देखा है, वहाँ असीम उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भी अत्यंत उत्साह भी है, आत्मविश्वास से लबरेज हैं और भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास पंजाब में इस बार बनाने वाली है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति को लेकर के, पूर्ति को लेकर के इस तरह से समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास करते हैं, वोटों का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में करने के लिए राजनीति करते हैं। केवल हिंदुत्व ही नहीं, कुछ लोग जो जीवन पर्यंत किसी और धर्म मजहब की बात करते तो वो भी आजकल मंदिर जाना शुरू करते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ कहो कि राज्य री कांग्रेस सरकार आम जनता री समस्याओं रो समाधान करबा माए पूरी तरह विफल रही है। राठौड़ आज बीकानेर माए खबर नविसासु बातचीत करता थका कहो कि राज्य सरकार खाली घोषणा कर रही है, उन्होंने धरातल माते नहीं उतार पा रही। वणा अवैध खनन, महिलाओं माते अत्याचार, सड़क, बिजली और कई मुद्दा माते सरकार ने घेरिया। काम और जिस प्रकार की मजबूत चिकित्सा व्यवस्थाएं थी उनको खड़ा किया और ये सरकार सिर्फ घोषणा ही करती है, उसको मूर्त रूप नहीं देती। इसीलिए आपने देखा होगा कि इन्होंने कोरोना के अंदर जब ये सवाल उठा कि कोरोना में मरने वालों की संख्या ज़्यादा है तो उन्होंने डेथ ऑडिट की बात कही और आज डेंगू का डंक पूरे राजस्थान को दंस रहा है और ये सरकार अभी भी उन आंकड़ों को छुपाने का काम कर रही है। देखिए, केंद्र ने तो जितनी अपनी योजनाएं पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से निकाली है और उन सबको नीचे तक धरातल पहुँचाने का काम करा है, इसका परिणाम भी हम देख रहे हैं।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान की सरकार केंद्र की योजनाओं को या तो लागू नहीं करती और करती है तो उनको स्लो डाउन कर देती है, जिससे कि उसका लाभ राजस्थान के लोगों को नहीं मिले। प्रदेश री सगली सरकारी निजी स्कूलों और शैक्षिक संस्थान आज तो 100% उपस्थिति रसाते खुल गया है। स्कूलों में विद्यार्थियों ने COVID-19 का प्रोटोकॉल की पालना करवाई जा रही है। इन दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर रो जरूरी रूप से उपयोग करवाया जा रही है। स्कूल स्टाफ ने वैक्सीन री डोज लगावो भी जरूरी करो गयो है। जोधपुर में कोरोना संक्रमण ने लेर, स्वास्थ्य महकमो पूरी तरह मुस्तैद है। मौसम में आया बदलाव और शादियों का सीजन ने देखता तक महकमो खास तैयारियां करी है। जोधपुर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य एहलकार डॉक्टर बलवंत मंदा बतायो कि जोधपुर रेलवे स्टेशन माथे 1200 आवन वाला लोगों की सैंपलिंग करी जा रही है। वणा कहो कि डेंगू की रोकथाम खातर महकमा कानीसू कई कदम उठाया जा रहा है। कोविड को लेकर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है और जिस तरीके से त्योहारी सीजन के पश्चात शादी का जो सीज़न आ रहा है उसको लेकर भी विभाग पूरी तरीके से तत्पर और तैयार है। और जो भी बाहर से जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनकी सैंपलिंग के लिए सभी जगह हॉस्पिटल्स के अंदर ये व्यवस्था की हुई है और साथ ही रेलवे स्टेशन के ऊपर भी हमारी सैंपलिंग जो टेस्टिंग टीम है वो लगातार कार्य कर रही है। और वर्तमान में जोधपुर में कोविड की स्थिति जो है वो नियंत्रण में है और वर्तमान में अभी हमारे पास में जो एक्टिव केसेज हैं वो एक ही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दूसरा जिला रा गुड़ला गांव स्थापित देव नारायण राजकीय बालक आवासीय विद्यालय रो वर्चुअल उद्घाटन कराया। करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से बनया इन विद्यालय रो निर्माण वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा के तहत करो गयो है। लोकार्पण जलसारो उद्घाटन करोली विधायक लाखन सिंह दीप प्रज्वलन रे साथे कर्या। इन मौका माथे वणा कयो के इन स्कूल रा बणबासु गांव रा टाबरा ने कई फायदो पोंको पुगेलो वर्चुअल। और यहां पर मैं भी है करोली गुडला जहां देवनारायण योजना का जो विद्यालय आवासीय विद्यालय बनाया गया है, इस विद्यालय में 280 बच्चों की क्षमता है। अभी 170 बच्चे यहाँ एडमिशन हो चुके हैं। अभी इनके यहाँ जो टीचर लगते हैं वो डेपुटेशन पर लगते हैं, तो अभी इनका इंटरव्यू भी हो गया है। अभी जो प्रिंसिपल लगाए हैं यहाँ, इनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। यहाँ स्टाफ की भी जो कमी है बच्चों की, तो वो स्टाफ की कमी को भी मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। पहलीरा केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद री नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या ने लेर विवाद पैदा वेग्यो है। हिंदू जागरण मंच जयपुर रा कार्यकर्ता पुस्तक में हिंदुत्व रे खिलाफ कथित टिप्पणी ने लेर आज जिला कलेक्टर माते धरनू प्रदर्शन कराया और जिला कलेक्टर ने ज्ञापन सौंपया। हिंदू जागरण मंच रा प्रांतीय अध्यक्ष प्रताप भानु सिंह शेखावत कहो के किताब में हिंदुत्व री तुलना आतंकवादी संगठन बोको हरम और ISIS सू करी गई है, जबकि हिंदू धर्म ने बदनाम करवारो कुचित प्रयास है। पुस्तक बिल्कुल ही विवादित है। अयोध्या के ऊपर पुस्तक लिखना और सलमान खुर्शीद के लिए, इसके लिए हम लोगों ने इसके विरोध में इस पुस्तक को प्रतिबंधित करने के लिए 2 घंटे का धरना दिया है हिंदू जागरण मंच में। और इस पुस्तक के अंदर जो हिंदुत्व की तुलना इन्होंने बोको हरम और ISI जैसे आतंकी संगठनों के साथ की है, जो कि एक बहुत ही घृणित कार्य इन्होंने किया है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और हम इस विषय को छोड़ने वाले नहीं है, इस विषय को आगे तक लेके जाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर इसके खिलाफ हम अलग अलग स्थानों पे FIR दर्ज करवाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और इस पुस्तक को प्रतिबंधित करवाने के लिए आंदोलन करेंगे। हिंदू जागरण मंच के जयपुर प्रांत के सभी कार्यकर्ता भत्सन न करते हैं जो सनराइज अयोध्या पे पुस्तक सलमान खुर्शीद ने लिखी है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पूरे विश्व का अनुशासित संगठन है, देशभक्त संगठन है, उसके विरोध में उसने इतनी नीचता की है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और अब प्रदेश की खेल गतिविधियां से जुड़ी खबर। जयपुर रा विद्याश्रम खेल मैदान में आए आज से 65वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी खेलकूद होड़ शुरू हुई। 20 नवंबर ताई चालबा वाली होड़ रा उद्घाटन जलसारा खास पाहुणा राज्य क्रीड़ा परिषद रा मुख्य खेल अहलकार वीरेंद्र पुनियारिया। आ होड़ 1719 वर्ष ताई री आयु वर्ग रा टाबरा खातर राखी जा रही है। होड़ माए भाग लेबा खातर कई जिला री टीमा जयपुर पुगी है।
देता हूं कि हमारे राज्य के अंदर एक खेलों का माहौल, जो शारीरिक शिक्षक हैं वो दिन रात मेहनत करके और खेलों का माहौल डेवलप राज्य में कर रहे हैं, और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं खिलाड़ियों के लिए, उनको लागू करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं। और मैं अंग्रेजी माध्यम स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और डॉक्टर मोहन चौधरी का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो तीरंदाजी है, खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा इसके अंदर, और आगे अपने भविष्य को तलाश करने के लिए वो यहाँ से शुरुआत करेंगे। फेयर गेम खेलें और मेहनत करते रहें, हार को कभी भी अपने दिमाग पर हावी ना होने दें और अगले टूर्नामेंट्स के लिए फिर से तैयार हो जाएं। राजस्थान के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं मेरे से पहले भी रही है, और अभी जो नए नए न्यू कॉमर्स बच्चे हैं वो भी खेलों से काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहे हैं। जब से हमारे मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री जी ने जो ये नई स्कीम चालू की, नई पॉलिसी जो लागू की, उसके बाद से काफ़ी लोगों का रुझान बढ़ा है स्पोर्ट्स की तरफ। बूंदी में आज से राज्य स्तरीय सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ खेल और युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना करया। इन मौका माते वणा कहो कि युवाओं में खेल भावना बढ़वा सू देश रो नाम दुनिया में रोशन हुआ है। वणा बताया कि राज्य सरकार पंचायत स्तर माते ओलंपिक खेल करवा रही है, जिनमें अबार ताई 22 लाख सू बत्ता खिलाड़ी पंजीकरण करवा चुके हैं। बूंदी में अंडर 17 अंडर 19 स्कूल स्टेट गेम्स के सॉफ्टबॉल का बॉयज कैटेगरी का आयोजन हो रहा है, और इतना बड़ा और इतना शानदार आयोजन हो रहा है, जिला प्रशासन को, जिले के शिक्षा विभाग को और समस्त पीटीआई जिन्होंने ये बेड़ा अपने माथे पर लिया, उन सबको, वो सब बधाई के पात्र हैं, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जिला स्तरीय को जीत के राज्य स्तर में सेलेक्ट हुए हैं हम। हमारी टीम में से 16 सदस्य आए हैं, कुल 17 वर्ष और 19 वर्ष के छात्र है, और बूंदी आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे शिक्षा खेल मंत्री के साथ मिलकर उनकी बातें सुनकर और प्रभावित हुए हम। सिरोही से आए हूँ, इधर बूंदी में हम राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल टूर्नामेंट में इधर आए, और हम आशा करते हैं कि हम इधर अच्छा प्रदर्शन करें और जीत के जाएं। भरतपुर लोहागढ़ स्टेडियम में आज से 65वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक कबड्डी होड़ शुरू हुई। होड़ो शुभारंभ चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग करया। इन मौका माथे वणा कहो कि स्वस्थ जीवन जीवा खातर खेल कूद रो महत्व जो योगदान होवे है। इन तरह की होड़ा माए विद्यार्थियों माए भी टीम भावना रो विकास होवे है। का दिन है भरतपुर के लिए तो ऐतिहासिक दिन है। आज 65वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता 17 एवं 19 वर्ष के वर्ग के लिए आज यहां का आगाज किया गया है। इसमें मुझे बताया गया कि 17 वर्ष की टीम में, 17 वर्ष के आयु वर्ग में 35 टीमें आई हैं, जिसमें 420 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। इसी तरह से 19 वर्ष के आयु वर्ग में भी 35 टीमें आई हैं, 420 जो है प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। 115 लोग उनके साथ शिक्षक कोच के रूप में वो लोग आए हुए हैं। मैंने यहाँ आयोजन देखा, इनकी व्यवस्थाएं देखिए काबिले तारीफ हैं। यहाँ से लोग जब जाएंगे प्रतियोगी मीठी यादें लेके जाएंगे। दौसा में आज से राज्य स्तरीय बालिका बैडमिंटन खेलकूद होड़ शुरू हुई। जिलारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की 17 से 19 बरस की छात्राओं खातर राखी गई होड़ में 33 जिलों की टीमें भाग ले रही है। होड़ उद्घाटन दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा करया। इनके अलावा दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया, नगर परिषद सदस्य ममता चौधरी, पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल और मुख्य जिला शिक्षा एहलकार ओम प्रकाश शर्मा समेत कई अधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद रहा। राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा। और अब मौसम से जुड़ी खबर। अगुणी भाड़ रा असर सू प्रदेश रा दखना दा भाग में आवाड़ा 2-3 दिन में कटे कटे बिरका हो बारी आज से। मौसम महकमा रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि 17 नवंबर ने कोटा और उदयपुर संभाग रा जिला में, और 18 और 19 नवंबर ने उदयपुर, अजमेर, जयपुर संभाग रा जिला में हल्की सू मध्यम दर्जारी बिरखा हो सके है। और आखिर में खास खास खबरें कर फिर राष्ट्र आज जनजातीय गौरव दिवस रा रूप में मना रियो है स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में राख्या गया जनजातीय गौरव जलसा ने कर संबोधित। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जयपुर में हिंदुस्तान साल्स लिमिटेड और सांबर साल्स लिमिटेड रा नुआ बनया दफ्तर रो करया लोकार्पण।
भारतीय जनता पार्टी राज्य की कांग्रेस सरकार माथे पूरी तरह विफल रहो मांडियो आरोप पार्टी रा राज्य रा न्यारा न्यारा जिला में सड़क सु सदन तीन चलावेली आंदोलन प्रदेश रा सगला सरकारी और निजी स्कूल आसु 100% उपस्थिति रे साथे खुल्या स्कूल में करवाई जा रही है कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला में आसू शुरू हुई न्यारी न्यारी राज्य स्तरीय होना जिला रा प्रभारी मंत्री करया आरो उद्घाटन इन साथ ही सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठीक पूरी हुई साथ देखता रहो डीडी राजस्थान नमस्कार।